हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का आखिरी आंसर। जी हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियोस के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो जाना, इसके अलावा हमने फीचर्स जाने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और हमने स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जान लिया है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, प्ले लिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां से भी आपको डिटेल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो है 4 मार्क का आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारा सुपरस्टार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यह है एब्सोल्युटली फ्री बैच फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड, और ये बैच एब्सोल्युटली फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ढेर सारे रिसोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं एक और मजेदार आंसर। आंसर का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ने से पहले एक और खास बात दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और यहां पर मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस होती रहती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अनअकैडमी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, और यहां पर क्लास 12th और क्लास 10th के लिए मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस आपको बहुत फायदा दे सकती हैं। तो जरूर 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 अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस से जुड़ जाइए। और खास तौर पर दोस्तों, आपके लिए ढेर सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इंतजार कर रहे होते हैं ढेर सारी रिसोर्सेस के साथ। तो जरूर 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 अनअकैडमी से जुड़कर इस चीज का फायदा उठाइए। दोस्तों, एक और खास बात मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए ढेर सारे ऑफर्स भी लेकर आते रहता है, और अलग अलग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी लाते रहता है। जी हाँ, ये जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस है ना अनअकैडमी के, ये सुपर डुपर हिट हैं, और यहां पर आपको मेंटोरशिप एकदम पर्सनलाइज्ड मिलती है। साथ ही साथ टॉप क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एकदम इंटरैक्टिव लेक्चर्स होते हैं, और यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स और रिसोर्सेस आपको मिलते रहते हैं। तो अगर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। कोड है JR10। जी हाँ दोस्तों, इस कोड का उपयोग करके आप 10% ऑफ भी हासिल कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, जरूर 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 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है स्पेशल फ्री क्लास का, वो फ्री क्लास ज्वाइन कीजिए और अपना अनअकैडमी का जर्नी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी आप शुरुआत करें किसी आंसर के, तो याद रखिए कि इंट्रोडक्शन आपके आंसर का पैकेजिंग थोड़ा जबरदस्त बना देता है। और ये इंट्रोडक्शन हमेशा से मैंने सभी वीडियोज में अभी तक बताया कि आपको लिखना ही चाहिए। माइक्रो और मैक्रो का जन्म कहां से हुआ, भैया ग्रीक शब्द से हुआ है जन्म इनका, और इसीलिए ये समझाना बेहद जरूरी हो जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और इनका जन्म हुआ है मिक्रोस ग्रीक वर्ड से, माइक्रो यानी स्मॉल एंड मिलियंथ पार्ट, और मैक्रोस शब्द जो ग्रीक का शब्द है मैक्रोस, उससे जन्म हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जन्म देने वाले दाता हैं हमारे रैगनर फ्रिश्क भाई साहब, और इन्हीं के जरिए ये आसान सा इंट्रोडक्शन लिख करके आप बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो जरूर 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 ये इंट्रोडक्शन जरूर से लिखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों आपको कि आप जब मैक्रो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखें तो मैक्रो का मीनिंग और डेफिनेशन भी जरूर लिखें, फिर वो स्कोप हो, फीचर्स हो, या इंपॉर्टेंस वाला आंसर हो, हर आंसर में आपको स्टार्टिंग में एक मीनिंग और डेफिनेशन लिखना चाहिए। इससे आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है, प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होता है। भले ही आप दो लाइंस लिखें लेकिन जरूर मीनिंग और डेफिनेशन भी लिखें। मीनिंग की बात करें तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बन जाती है। एंटायर इकोनॉमी बोले तो पूरे इकोनॉमी का, और मैंने कई बार मेरी वीडियोस में कहा है एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी। जी हां, एक की नहीं अनेक की स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसीलिए इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो मीनिंग है ना, ये आप भूलेंगे नहीं। एंटायर इकोनॉमी का सिस्टम जो एनालाइज करता है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात करूं दोस्तों डेफिनेशंस की, तो देयर आर टू डेफिनेशंस, एक है जेएल हैंसन का और एक है प्रोफेसर कार्ल शपीरो का डेफिनेशन। और कार्ल शपीरो के डेफिनेशन से अनुमान ज्यादातर लोग प्रभावित हो जाते हैं। आसान सा है, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी एक इकोनॉमी यानी एक देश किस तरह से चलता है, फंक्शन करता है, क्या क्या उसके अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग नजरिए हैं, ये सारी बातें डिटेल में समझने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसीलिए आज का आंसर महत्वपूर्ण है, जहां हम सीखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस
ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या आपको वो मुद्दे वो पॉइंट समझाएगा कि यार एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी अहम क्यों है, जरूरी क्यों है और क्यों है इतनी खास। चलिए आज समझ लेते हैं इस आंसर को कुछ पॉइंटर्स के साथ। ये है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर है। और इन 7 पॉइंट को आसानी से समझने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए और एकदम अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है परफेक्ट लेंस, परफेक्ट लेंस, परफेक्ट लेंस। 7 पॉइंट का आंसर, काम फिट, मामला हिट कर डालेंगे, आंसर को सुपर हिट, और आप हैं सुपर स्टार जो करेंगे एग्जाम में चमत्कार। तो चलिए पढ़ लेते हैं ये आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विद द शॉर्ट कोड परफेक्ट लेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम परफेक्ट लेंस, आंसर का नाम परफेक्ट लेंस, आंसर का नाम परफेक्ट लेंस। आहा, लिखना ही भूल गया। जी हाँ, तो आंसर का नाम जो है ना भाई, ये है परफेक्ट लेंस। और मैं आपको बता दूं कि इस शॉर्ट कोड के जरिए है ना, आप आसानी से, यस आसानी से दिमाग में इसको फिट कर पाएंगे और एक एक पॉइंट लिख करके आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? यस, परफेक्ट लेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, म्हणजे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की तुमचा देश कशी प्रगती करतोय, तुमच्या देशाचा परफॉर्मेंस कसा आहे, तुम्हाला तुलना करायची आहे, आपको कंपेरिजन करना है कि दूसरे देशों से आपका देश किस तरह से प्रभावशाली है और किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, आपके देश की परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की ही जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, सो दैट इट helps us in knowing the performance of an economy. Macroeconomics helps us to analyze the performance of an economy. Aha, performance of an economy. National income estimates are used to measure the performance of an economy over time. Yani aapko aapke desh ki aamdani se hi pata chalega ki bhaiya kitna acha aapka desh perform kar raha hai aur kitna growth aur development, kitna vikas jo hai wo aapke desh ka ho raha hai, wo samajhne mein madad karta hai by comparing प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ अदर पीरियड। यानी भैया आजादी के बाद कितना प्रोडक्शन हो रहा था, आमदनी कितनी थी, आज कितनी ज्यादा आमदनी है, ये पीरियड और उस पीरियड में क्या फर्क था, क्या डिफरेंसेस थे, ये सारे एनालिसिस करने में हमें मदद करती है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। एंड दैट इज व्हाई माय डियर इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि इंपॉर्टेंट तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही देता रहता है। बात करें दोस्तों परफेक्ट लेंस के अंदर अगले पॉइंट की, तो यहां पर एफ से फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यहां परफॉर्मेंस फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस फंक्शनिंग। याद रखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस से आप चेकआउट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, पहले कितना परफॉर्मेंस था, अब कितना परफॉर्मेंस है। और फंक्शनिंग सुनने में भले सिमिलर सा साउंड करे, लेकिन अंतर थोड़ा सा है इस पॉइंट के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, म्हणजे तुमचा देश चालतोय तरी कसा, त्याची वाटचाल कशी आहे, कैसा एक्झॅक्टली ग्रोथ हो रहा है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स। महंगाई की मार कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितना है, गरीबी है तो कितनी है, ये सारे जो बड़े बड़े देशव्यापी प्रॉब्लम्स हैं ये किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे और क्या क्या इसमें है खास, ये सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है। इसीलिए इसे परफेक्ट लेंस माना जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस का। जी हाँ दोस्तों, इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम, भारत देश जैसा अगर इकोनॉमिक सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, तो उसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बारीकी से करनी पड़ेगी, तभी तो आप जान पाएंगे। पी से परफॉर्मेंस, एफ से फंक्शनिंग, पी से परफॉर्मेंस, एफ से फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस फंक्शनिंग। बढ़ते हैं आगे, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट लेंस और 7 पॉइंट का ये आंसर आसानी से आप समझ जाएंगे हमारे इस शॉर्ट कोड के साथ। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, और अब हमने पढ़ लिया फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है एल फॉर लेंस के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके देश में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कितनी है,
एम्प्लॉयमेंट है तो वो कितना है, और वही समझने में आपकी मदद करता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और जब मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आहा जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको समझने में मदद करेगा एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी, यानी आपके देश का प्रोडक्शन कितना है उसके हिसाब से नौकरी धंधा बेरोजगारी या रोजगार कितने उपलब्ध हो रहे हैं ये समझने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं लेंस का एल आप समझ पाए होंगे, एल फॉर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट निकल करके आता है आसान सा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आहा तरक्की, देश का विकास, समझ रहे हो कि नहीं, देश का विकास योजनाओं से होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है, और दोस्तों दोनों हाथ उठा करके बोलिए विकास हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बारी आती है तो याद रखिए एडवांस्ड स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड The problems of developing countries. Yes, economic development का जो study है, जो analysis है, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कितना growth हो रहा है, कितना तरक्की हो रहा है, कितना development हो रहा है, और आप problems क्या हैं developing countries के वो भी समझ पाते हैं, वो भी परख सकते हैं। Such as poverty की बात होती है भैया, इसके अलावा इनइक्वालिटी की बात होती है, इसके अलावा दोस्तों इनकम एंड वेल्थ के अंदर जो इनइक्वालिटी है, डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यार अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ये जो गहरी खाई है अमीर और गरीबी के बीच की ये क्यों इतनी है, ये सारे प्रॉब्लम्स को समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स ही मदद करता है। ऑल्सो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं सजेशंस भी देता है, सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी तरक्की हासिल करने के लिए क्या ससुरे कदम उठाने चाहिए ना, वो भी बताने का काम करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली दोस्तों पूरे आंसर में मैक्रो इकोनॉमिक्स की तारीफ है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट। याद रखिए हर पॉइंट पे, हर मुकाम पे इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आपको देशव्यापी स्टडी करने में मदद करता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो एन यहां पर ई से दो पॉइंट है, और ई से जो अगला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, यानी उतार चढ़ाव। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेस, causes of fluctuation, क्या causes of fluctuations, क्या causes of fluctuations, याद रखिए उतार चढ़ाव आते हैं क्यों, आते हैं क्यों, आते हैं क्यों, याद रखिए causes of fluctuations इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में क्यों होते हैं ये उतार चढ़ाव, ये इनकम क्यों कभी ज्यादा कभी कम, किसी की ज्यादा किसी की कम, ये fluctuations जो है ना ये स्टडी करने में, ये एनालाइज करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ आउटपुट यानी हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो कितना है और कैसे फ्लक्चुएट होता है वो समझने में मदद करता है, और साथ ही साथ इसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे फ्लक्चुएट होती हैं ये भी हमें समझाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इट मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सिवियरिटी, यानी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो उतार चढ़ाव है ना, इसको इसकी गति को रिड्यूस करने का काम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कर सकता है, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस, 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 आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यस, परफेक्ट लेंस के अंदर जब बात करते हैं आखिरी पॉइंट्स की, तो यहां एन से आता है नेशनल इनकम, जो कि हार्ट एंड सोल है दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जब भी होगी नेशनल इनकम उसमें होने ही वाला है, क्योंकि यार याद रखिए एक की नहीं अनेक की स्टडी है, तो इट डजंट डील विद इंडिविजुअल्स इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, इंडिविजुअल की नहीं देश की इनकम को एनालाइज करने का मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है, और देश की इनकम के सभी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी अलग 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 पैरामीटर्स को समझना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पॉसिबल है, एंड दैट इज वाई नेशनल इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नॅशनल इनकम, म्हणजे या मॅक्रो इकॉनॉमिक्समुळेच आपल्याला नॅशनल इन्कमची सिग्निफिकन्स आणि महत्व कळलेलं आहे, आणि त्यामुळेच आपला देश जो आहे प्रगतिशील झालेला आहे।
सोशल अकाउंट्स यानी समाज में क्या इसके बेनिफिट्स हैं, विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। सिंपल है दोस्तों, आपके घर में आप बजट बनाते हैं, आपकी आमदनी कितनी है उसके आधार पर आप बजट बना पाते हैं। आपको अगर इनकम के बारे में पता ही ना हो तो आप बजट नहीं बना पाएंगे। सिमिलरली देश का बजट बनाने के लिए देश की आमदनी, देश का इनकम यानी नेशनल इनकम पता होना जरूरी है, और वही पता लगाने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करती है, वरना हम सारे करेक्ट पॉलिसीज बना ही नहीं पाएंगे, योजनाएं फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमने एक और पॉइंट कर लिया नेशनल इनकम। आखिरी पॉइंट की बात करूं परफेक्ट लेंस में तो यह है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जैसा कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा नेशनल इनकम, उसी तरह से और भी कई मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। एक तो नेशनल इनकम की करता ही है, और भी कई ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी स्टडी करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। यस, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, म्हणजे सर्व काही जे आहे ते इकोनॉमिक वेरिएबल्स वरतीच अवलंबून आहे, डिपेंडेंट आहे। तो ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करना तो जरूरी है। कौन से ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स? सच एज बिहेवियरल ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो सिंपल है, सुने सुनाए हैं, घिसे पिटे हैं, हमने कई बार मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में, स्कोप में इनके बारे में सुना है। टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो इस तरह से बड़े बड़े जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी स्टडी करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर अभी अभी हमने क्लियर कर लिया है एकदम आसानी से। क्वेश्चन का नाम है दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस। आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस। आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस। पी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, F से फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, L से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, E से दो, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, और लास्टली नेशनल इनकम एंड स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। आप हमारे सुपरस्टार बैच से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से आपको ढेर सारे रिसोर्सेज, चैप्टर के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, और दोस्तों आपके लिए ढेर सारे रिसोर्सेज हमेशा रेडी रहेंगे। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए, सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कोई भी डाउट है तो मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है राजगुरजयेशवी। साथ ही साथ हम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर भी फ्री रिसोर्सेस हैं। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, और यहां पर आपको सुपरस्टार बैच मिल जाएगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री है फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।